उज्जैन विकास प्राधिकरण और सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा शहर के वीआईपी कोठी रोड पर सर्व सुविधा युक्त दिव्यांग अनुभूति पार्क का निर्माण किया गया है, जिसका पहले चरण का लोकार्पण 24 सितंबर को होना था, लेकिन कुछ कारणों के चलते इसे स्थगित किया गया। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का पहला दिव्यांग पार्क उज्जैन में आकार ले चुका है। पार्क में सभी तरह के विकलांगों के लिए मनोरंजन और एक्टिविटी के पूरे संसाधन लगाए गए हैं। 3 करोड़ की लागत से निर्मित हुए इस पार्क का लोकार्पण 24 सितंबर को मंत्री माया सिंह और थावरचंद गहलोत के कर कमलों से किया जाना था, लेकिन अचानक देर शाम इनकी अनुपलब्धता के चलते कार्यक्रम को कुछ दिन आगे बढ़ा दिया गया। उज्जैन विकास प्राधिकरण और सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा उज्जैन शहर को एक बड़ी सौगात दी जा रही है। इसी कड़ी में उज्जैन शहर में मध्य प्रदेश का पहला दिव्यांग पार्क अटल अनुभूति पार्क, जिसे नाम दिया गया है, उसकी स्थापना, उसका निर्माण किया गया है और कल इसका उद्घाटन होना है। हमारे साथ इस वक्त उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल जी हैं। हम उनसे जानेंगे किस तरह की सुविधाएं उन्होंने इस पार्क में दिव्यांगजनों के लिए की है। यह एक बड़ा पार्क होगा जो कि लगभग 2.5 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर फैला होगा। ये भारत का सबसे बड़ा दिव्यांगजनों को समर्पित पार्क होगा, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। जैसे कि एक पार्क के अंदर सामान्यतः व्यक्ति फूलों को देखता है, विभिन्न प्रकार के झाड़ वगैरह को देखता है, पर ब्लाइंड व्यक्ति नहीं देख सकता, तो ब्रेल लिपि में उसको इस बात के लिए स्पेशली इसके अंदर व्यवस्थाएं की गई है कि ब्रेल लिपि में पढ़ करके और पेड़ पौधों को छू करके भी उसका एहसास कर सकता है और सुगंध के आधार पर भी उसका एहसास कर सकता है कि इस पौधे की किस प्रकार की सुगंध रहती है, पत्ती की किस प्रकार की सुगंध रहती है, फूल किस प्रकार का हो सकता है। फिर वो इस पार्क में घूमते घूमते इस बात का एहसास भी कर लेगा कि हमने इस प्रकार की व्यवस्था करी है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पक्षियों की ध्वनि, जैसे चिड़िया है, कबूतर है, कोयल है, मोर है, इनकी ध्वनि भी लगातार उसको सुनाई देती रहेगी, जिससे कि उसे उस पूरे पार्क का एक अनुभव होगा कि पार्क किस प्रकार का होता है। इस पूरे पार्क के अंदर उन लोगों के लिए टेक्टाइल टाइल्स लगाई है, जिसके माध्यम से वो लोग बेरोक टोक चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जहां उनको रुकना है उनके लिए ब्रेल लिपि में जगह जगह संकेतक भी हैं जो कि उनको गाइड करेंगे। इस पार्क के अंदर टेंसाइल फैब्रिक के माध्यम से हमने कुछ अलग प्रकार का एक लुक दिया है जो कि अन्य पार्कों से थोड़ा बेहतर लुक होगा। इसके आप वॉल पर भी देखें तो इस वॉल के ऊपर भी विभिन्न प्रकार के जो इनके गेम्स होते हैं विकलांगों को, उनको चित्रित किया गया है। ऐसा करके एक बहुत अच्छा वातावरण विकलांगों के लिए किया गया है। इसके अंदर हम लोगों ने 3 व्हील चेयर्स भी रहेगी, क्योंकि व्हील चेयर्स पर भी अगर कोई 80 बाधित व्यक्ति अगर घूम करके चलना चाहे तो वो उसके ऊपर चल सकेगा। ऐसे सेंसरी पिट भी इसके अंदर है, जिन लोगों को सेंसेशन के मामले में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहती है तो वो इसके ऊपर चल करके वो भी अपना एक ठीक तरीके से इलाज भी, जिसे कह सकते हैं हम, या उसके अंदर भी एक विकास की जो संभावना रहती है वो सारी चीज़ें भी रहेगी। एक दूसरा इसका एक पक्ष जो है अलग, इसके अंदर कुछ साइंस के इक्विपमेंट भी हमने लगाए हैं जो कि अन्य प्रकार की जो विकलांगता भी 21 प्रकार की होती है, वो कुछ साइंस के इक्विपमेंट के माध्यम से कुछ अपने ज्ञान और विकास कर सकते हैं, वो भी लगाए हैं। उनके खेलने कूदने के लिए विभिन्न प्रकार के झूले और उनके एक्सरसाइज के लिए अलग प्रकार के डिजाइन किए हुए सारे इक्विपमेंट्स भी यहाँ पर हमने लगाए हैं। यानी कि अगर कुल मिलाकर के हम कहें तो प्रत्येक विकलांग जो व्यक्ति है, सभी प्रकार की विकलांगता वाला व्यक्ति, वो यहाँ पर आकर के मनोरंजन की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, विकास की दृष्टि से एक परिपूर्ण इस प्रकार का हमने इस पार्क का निर्माण किया है। निश्चित रूप से इस पार्क को लोकार्पित करते हुए मेरे मन में इतनी अधिक प्रसन्नता है कि मैं जीवन में शायद इससे अधिक मुझे प्रसन्नता कभी मिली नहीं, इतना अधिक मेरे को प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। इस पूरे पार्क को हमने एक रिकॉर्ड टाइम में तैयार किया है, लगभग 7 महीने में पूरा पार्क बनकर के तैयार हो गया है, जो कि इतने बड़े क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है और सर्व सुविधा युक्त भी है। और इसके अंदर मेरे उज्जैन विकास प्राधिकरण के सारे कर्मचारी अधिकारियों ने काफ़ी मेहनत करी है और उस मेहनत का ही प्रतिफल है कि आज ये उज्जैन का सबसे सुंदर पार्क बनकर के तैयार हुआ है। कब इसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है और किस तरह कौन कौन सी अतिथि आने वाली? इसका इनॉग्रेशन हम लोगों ने कल का प्लान किया हुआ है। कल इसके इनॉग्रेशन के अंदर
क्योंकि सामाजिक न्याय विभाग इसके अंदर उसकी सहभागिता है। सामाजिक न्याय विभाग का इसके अंदर हमें 1,93,00,000 रुपये मिला है। प्राधिकरण का भी इसके अंदर 1,06,00,000 रुपये सम्मिलित है। सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री आदरणीय थावरचंद जी गहलोत साहब, हमारे विभाग के मंत्री माया सिंह जी, स्थानीय मंत्री पारजी जैन, सांसद, विधायक, महापौर यानी सारे गणमान्य नागरिक इसके अंदर आमंत्रित हैं। यह पार्क दिव्यांगों के लिए तो समर्पित है ही, पर उज्जैन के आम जनता, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों या हमारे युवा हों, सब लोगों के लिए भी अत्यधिक आकर्षण का केंद्र और उपयोगी भी रहेगा। मनोरंजन, आमोद प्रमोद या इस प्रकार से कहना चाहिए कि घूमने फिरने की दृष्टि से भी ये पार्क बहुत उपयोगी रहने वाला है। लगभग 2.5 हेक्टेयर जमीन पर बना यह पार्क कल लोगों के लिए, आमजनों के लिए खोल दिया जाएगा। प्रदेश में अनूठा और अपने आप में अलग यह पार्क है। लगभग 3 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है और जैसा कि जगदीश अग्रवाल जी ने बताया कि सभी सुविधाएं इस पार्क में उपलब्ध है। अब सभी को इंतजार है उस क्षण का जब इस पार्क का लोकार्पण होने वाला। कैमरामैन दुष्यंत वर्मा के साथ उमेश चौहान, MP News, उज्जैन।